की, राजा बलि की। जय धीरे बोल रहे होते हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कि आप कार्यकारिणी ने हमें यहाँ बुलाया है और हमारा बहुमान किया, मान सम्मान किया, उसके लिए कार्यकारिणी को धन्यवाद। और आप जो है गत 5 सालों से ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, तो इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरी कार्यकारिणी का एक बार मेरे हाथ से जो है मैं उनको एक आशीर्वाद स्वरूप जो है उनका बहुमान कर दूँ। और ये समिति हमेशा के लिए ये कार्यक्रम निरंतर करती रहे, तो इस समिति के सहयोग के लिए मैं कुछ अंशदान दूंगा। तो ये मेरी जो है छोटी सी भेंट आप स्वीकार करते हुए सारे कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन चाहूंगा कि एक बार आप मंच पे पधारें। आदरणीय भारत जी, आप थोड़ा आगे आइए। मेरी जहां तक आवाज जा रही है, इस समिति के जितने भी कार्यकर्ता सदस्य पदाधिकारीगण हैं, एक बार आप मंच पे पधार जाएं, आपका एक फोटो जो है पूरा इंडिया में लाइव हो जाए, मैं मेरी ये इच्छा है, इसलिए आप यहां पधारें। संता और विद्वाना रे वीरा मान राखियो इनरो संत सवारिया सबरा काज कविया पवित कया कल मावसु गावी जे गीता में आज। पप्पू जी खड़ा किया है संपूर्ण सिलवासा कमेटी के पदाधिकारी, सूरत कमेटी के पदाधिकारी एवं आना सोताला के पदाधिकारी, सिलावटी कमेटी के पदाधिकारी खुद अपने हाथों से तिलक लगाकर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि संगठन में शक्ति है और संगठन में भक्ति है। संगठन में शक्ति है, संगठन में भक्ति है, इतना बड़ा काम करना ये सरगरा समाज की उपलब्धि है। अरे डोरी बंदी तार तार से होती बड़ी मजबूत है, हाथी भी उससे काबू में रहता, ये संगठन का सबूत है, संगठन का सबूत है। बिल्कुल जिस प्रकार आप सभी का आशीर्वाद हमें प्रदान हो रहा है, आप सभी बड़े बुजुर्गों का, आप सभी समितियों का हमें जो आशीर्वाद प्रदान हो रहा है, बिल्कुल एक बार जोरदार तालियां जयकार हो जाए। बोले श्री वामन अवतार भगवान की, बोले आई मात की। बहुत ही सुंदर आज का ये जो पल इतिहास के स्वर्ण पन्नों में, बिल्कुल 190 देशों में आप लोग वीडियो देखेला, जितना भी समाज बंधु है आराम की कार्यक्रम देखो, श्री कृष्णा लाइव कोसलाव द्वारा बहुत ही शानदार वीडियोग्राफी लाइव टेलीकास्ट कृष्णा लाइव के द्वारा किया जा रहा है। और आज का कार्यक्रम श्री राधे राधे म्यूजिकल ग्रुप के बैनर तले राजस्थान के सुपरहिट कलाकार भाई दीपक राठौड़ एंड पार्टी कुछ ही समय बाद आप सभी के बीच एक से बढ़कर एक दमदार प्रस्तुतियां देने जाएंगे। तब तक के लिए अतिथिगणों के हाथों कमेटी का बहुमान होता हुआ, कमेटी मेंबर जिन्होंने बिल्कुल दिन रात एक करके इतनी आसमानी आपदों के बाद इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप देने में बहुत ही सुंदर नजारा, बिल्कुल ये हार और ये जो साफे है आपका आशीर्वाद है, ये जो फूल है ये आपका आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने जीवन में जरूरी होता है। Thank you.
हेलो हेलो कमेटी मेंबर जितने भी है सभी बता रहे अनिल जी भूति मनोज जी देवकी अनिल जी भूति जितने भी कमेटी मेंबर सभी बता रहे बिल्कुल आज का ये कोई नीचे हो ही गए काम कर दिया है एक महीना थी घर परिवार छोड़े ने मुंबई में मैं काम करनो घर जो है बैर में गाड़ियां नकाली खाड़ी अनवास से माला पहन रही है क्योंकि काम समाज का काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती जो समाज में इंटरेस्टेड नहीं होते जिनका समाज में आना जाना नहीं रहता वो ये सोचते कि ये ऐसे फालतू घूम समिति ने बुला करके मेरा जो है मान बढ़ाया उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूँ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और मेरा विशेष जो है पूरी समिति के लिए भी संदेश पूरे सरगना समाज के लिए संदेश और इस मंच से जो है पूरी बाउनपट्टी के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा कि बंधुओं आप जो है इस माया नगरी के अंदर जो है सेवारत हैं और आपकी जो ये संस्था है इस माया नगरी के अंदर जो है इस आयोजन को आयोजित करती है तो मैं तमाम बंधुओं से निवेदन चाहूँगा एक बार आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए भारत जी मैं आपसे निवेदन चाहूँगा सबसे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन चाहूँगा एक बार मेरा दो लफ्ज सुन लीजिए निवेदन मेरा ये है कि इस माया नगरी के अंदर आप जमे हुए बैठे हो और आपका समाज जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है मैं आपसे उम्मीद चाहता हूँ मेरे ये जितने भी साथ में जो आपके मुख्य अतिथि पधारे हैं आपने इनको बुलाया सबकी मंशा एक है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लड़कों को जो है इस व्यवसाय के अंदर जोड़ें बंधुओं मेरी स्पेशली भावना है कि आप लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को जोड़ करके समाज के लड़कों को जोड़ करके इस व्यापारिक मंडल के अंदर जो है आपके सहभागी बना लें जिससे समाज की आर्थिक स्थिति सुधरती बंधुओं समाज के अंदर मैं आपसे निवेदन चाहूँगा एक मिनट सुन लीजिए मैं आपसे निवेदन चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो है आर्थिक दृष्टि से जो कमजोरी है उसको निकालने का सारा और उसकी आस हमें आपसे लगी मैं चाहता हूँ कि आप जैसे संगठन जो है इसको बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि दूर दराज जो भी संगठन अलग अलग उद्देश्य लेकर के मीटिंगें करते हैं उनका उद्देश्य अलग होता है और आपका जो उद्देश्य है सारे व्यापारी बंधुओं का मैं चाहता हूँ कि समाज के अंदर जो है जितने भी व्यापारी बंधु हैं उनका मान सम्मान बढ़ना चाहिए उनका मान सम्मान समय समय पर किया जाना चाहिए समाज में अज्ञानता के कारण नौकरी पैसा लोगों को या दूसरे कोई तरह के जो लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है जबकि जो है व्यापारी वर्ग को जो है बढ़ावा नहीं दिया जाता जिससे जो है इस क्षेत्र में लड़के काम करने के लिए भी कतराते हैं मैं चाहता हूँ बंधुओं समाज के अंदर एक रिवाज के छोरों थोड़ो नौकरी करते हुए तो 10 जना जो जो ले लारे थोड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नौकरी से बनिस्बत व्यापार का सबसे बड़ा मुद्दा है व्यापार के बिना आप अपने समाज का कुछ नहीं कर सकते एक लड़के को यदि नौकर करते हो तो वो जिंदगी भर तक जो है गुलाम बन करके रहता है नौकरी का मतलब गुलामी और वो समाज के लिए कुछ भी नहीं कर सकता इसलिए आपसे गर्वित निवेदन कि आप जो है इन व्यापारियों का बहुमान करें व्यापारी जो बच्चा मेरा व्यापार में जो काम करता है तो उन बच्चे का जो है आप संबंध के लिए भी आग्रह करें आप आगे आए दूसरी चीज मैं चाहूँगा कि जब भी आप इस तरह का सम्मेलन वगैरह करें तो इसमें धार्मिकता का फुट अवश्य लें बिना धार्मिकता के आप सबको संगठित नहीं कर पाएंगे आज हम आ रहे थे तो हमारे जितने भी ये आपके मुख्य अतिथि महोदय हैं इन सब का एक बड़ा मतलब हमें जो है दुख महसूस हुआ वो ये हुआ कि इतनी बड़ी राजधानी व्यापारिक राजधानी के बीच में जो है हमारा समाज का जो है उपस्थिति मंडल है और उन्होंने जो है यहाँ मुझे ऐसा लगा कि वो दो भाग में जो बंटे हुए हैं दूसरे भाग वालों से भी मैं सादर निवेदन करूँगा मैंने भारत जी से निवेदन किया था कि भाई उनके अध्यक्ष साहब को भी हमने कॉल किया था कि आप हमारे निमंत्रण पर पधार जाएं जिससे ठीक रहेगा
क्योंकि यहाँ से जो आपका जो पूरा ये प्रोग्राम है ये पूरा इंडिया देखता है, और इंडिया के अंदर यदि ये संदेश जाता है, छत्तीसगढ़ के अंदर ये संदेश जाता है कि बम्बई के अंदर जो व्यापारिक मंडल है वो दो फाड़ में जी रहे, तो ये चीज़ हमारे गले नहीं उतर रही। आप चाहते हो मतलब एक है कि आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मन के भेद आपके नहीं होने चाहिए क्योंकि आप समाज के हो और हम लोग केवल समाज के पीछे आपका आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं भविष्य में आपसे, मेरे जितने भी मुख्य अतिथि हैं इन सबसे मैं निवेदन चाहूँगा कि भाई इन दो समितियों को जो है एक कर दो, प्रोग्राम भले ही आप अलग अलग करो लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर उनकी उपस्थिति होनी चाहिए और उनके प्रोग्राम के अंदर आपकी उपस्थिति होनी चाहिए। हमारे जैसे और बड़े बड़े हमारे जो है आपके मुख्य अतिथि, इनके लिए विडम्बना की बात ये होती है कि क्या करें, आज हम यहाँ आए और कल यदि वहाँ नहीं जा पाए, किसी परिस्थिति वर्ग भी नहीं जा पाए, तो वो लोग अपने मन में ये समझेंगे कि यार वो उनके गुट के हो गए और हमारे इस गुट के हो गए। तो कृपया आपसे करबद्ध निवेदन हाथाजोड़ी आपसे ये है कि अगले समय में आपके मतभेद है तो आप अलग अलग प्रोग्राम कीजिए, प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट चेंज कर दीजिए, एक जो है सर्दी में प्रोग्राम कर दो, एक गर्मी में प्रोग्राम कर दो, समझे कि नहीं, लेकिन उपस्थिति आप सबकी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, दो मंडल है तो और ही खुशी की बात है, दोनों के लिए धन्यवाद है, लेकिन ये मतभेद जो है पूरे हिंदुस्तान में आपका संदेश नहीं जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ये लगता है कि सरगरेवा वहाँ बॉम्बे जाने के बावजूद भी जो है दो फार में बन, तो ये संदेश आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। मैं कार्यकारिणी के सदस्यों से करबद्ध निवेदन करूँगा कि आप उनको मनाने में यदि आपका कद छोटा हो जाता है तो कोई बात नहीं, और उनसे भी हम निवेदन करेंगे, मैं मुख्य अतिथियों से भी निवेदन करूंगा, पारस जी, अमर सिंह जी, सबसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है अगली पार्टी को भी जो है आप निवेदन करें, उनको भी समझाएं, ये बच्चे हैं तो उनको भी समझाएं कि आप आइंदा से ये संदेश अगले साल से नहीं जाएं, इसी के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। बाकी आपने जो ये आयोजन किया, आयोजन की रूपरेखा में थोड़ी धार्मिकता का पुट कम है, मैं चाहूँगा कि धार्मिकता एक ऐसी चीज़ है, राजा बलि के प्रचार के बारे में, भावन अवतार भगवान के बारे में प्रचार से समाज में एक रूपता आती है। जैसे आपका ये प्रोग्राम है यहाँ पे, तो ये आई माता जी के मंदिर के नीचे प्रोग्राम है, तो इनका उदाहरण भी आप समझ करके देख सकते हैं कि ये कैसा, मतलब इन्होंने जो है एक संदेश दिया, पूरा सिरवी समाज जो है यहाँ, अब सिरवी समाज की बॉम्बे में पूना में 500 जगह बढ़ेर होगी, लेकिन यहाँ का जो प्रोग्राम होता है ना उसमें सारा समाज एक होकर एकता दिखाता है। प्रोग्राम आप 10 जगह करिए, प्रोग्राम 2 की जगह पे 4 करिए, अलग अलग करिए, लेकिन संदेश ये नहीं जाना चाहिए कि वो लोग जो है सरगरे जो है दो भाग में बंट गए, ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन चाहूँगा। और आइंदा जब प्रोग्राम के अंदर थोड़ा धार्मिकता का फुट दें, मैं चूंकि धर्म के प्रचारक के रूप में मतलब मैंने ये वेश धारण किया है, आप सभी से मेरा निवेदन, धर्म के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, सरगरे की उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं, सरगरे की जात के बारे में जानना चाहते हैं, आपको सरगरा क्यों कहते हैं, ये सारी चीज़ जानने के लिए मैं धर्म प्रचारक के रूप में जो है मैंने दीक्षा ली है, आप भी अपने बच्चों को ये दीक्षा दिलाइए, आपके किसी धार्मिक प्रोग्राम में हमें बुलाइए ताकि हम उस धार्मिक प्रोग्राम के मार्फत आपको सरोकार करें, आपके लड़कों के अंदर धार्मिक संस्कार आ जाएगी, आपकी माता बहनों के अंदर जो है धार्मिक संस्कार आएंगे और समाज के अंदर एक बहुत अच्छे समाज की स्थापना करना चाहेंगे। बंधुओं, एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूँगा कि सरगरे स्वर्ग से आए हुए हैं, किताब के अंदर लिखा हुआ है स्वर्ग सदस्य सरगरा, तो सरगरे का आश्रम जो है स्वर्ग के समान होना चाहिए। आज आपका पूरे हिंदुस्तान के अंदर सरगरों का आश्रम जो है वो स्वर्ग के समान नहीं है, जिसके कारण जो है ये समाज मेरा आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से दबता जा रहा है, इसके उत्थान के लिए हमने वीडियो उठाया, मैं सबसे अपील करूंगा कि आप मेरा यथेष्ट सहयोग करें और मेरी कहीं आवश्यकता हो तो मुझे याद करें, और नहीं तो मैं आपको याद करूं तो मेरा भरसक सहयोग कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति लेकर आप सभी के समक्ष पेश होंगे, और दीपक जी ने आगे तो डांसर ही फैल है। पुष्पहार हॉल महाप्रसाद जी का चढ़ावा कोई भी लेना चाहे, बिल्कुल आपका कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल 2021 के
कार्यक्रम के लिए फूल हार और माला और चढ़ा वो ईश्वर जी सनाप रंगाराम जी बोकड़ा की तरफ से बुक एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कंटिन्यू पत्रिका का चढ़ावा जो भी भामाशाह लेना चाहे बिल्कुल हार्दिक स्वागत है। महाप्रसाद जी का चढ़ावा कोई भी लेना चाहे बिल्कुल आपका हार्दिक स्वागत है। नाम अनाउंस करना चाहे तो भी कर सकते हैं या फिर आपकी इच्छा है तो चढ़ावा लगा ले। महाप्रसाद जी को चढ़ावो जयती भाई साहब जल्दी आओ जल्दी आओ। महाप्रसाद जी को चढ़ावो 2021 का कार्यक्रम हालिस कमेटी मेंबर्स मनोज जी भाई साहब कट गया 11,000 रुपए बड़े सुख आवे अवसर बार बार नहीं आवे। महाप्रसाद जी लाभ अन्नदान महादान जिस प्रकार आज के कार्यक्रम में 25 कितना 50 15 क्या बात है 15 16 कितना 17 18 21 क्या बात है दीपक जी थोड़ा सहयोग देना 21,000 रुपए महाप्रसाद जी को चढ़ावो बड़े सुख आवे अवसर बार बार नहीं आवे 21 22 क्या बात है 22 ये मारा होमी वाला भाई गना बटवारा मारा होमी वाला भाई गना बटवारा ए बटवारा बोली ले बटवारा ए बटवारा बोली ले बटवारा मारा होमी वाला भाई गना बटवारा 35 महाप्रसाद जी चढ़ावा हो घना सस्ता है तो 35 छगनवार 35 एक दो मिनट रुको हाँ दो मिनट रुको 35 40 41 क्या बात है तुम्हारा भाई सा फूट रगड़ा बोली बोला मैं तो तकड़ा बना अरे भेड़ी कोई रोम जी कता होड़ी फुटरी बनरी कोने पड़े अरे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है अरे तिजोरी की छापी मारे काफी सबके पास है अरे तिजोरी की छापी मारे काफी सबके पास है 41 हाँ तो आज हम आते चाहे हो हाँ तो घीरो घर से जाए हाँ तो लापी हीरा के बर्फी पेड़ा के वाले हाँ गुलाब जामुन ए खाले खाले लड्डू पेड़ा खाले में गुला कूड़ियो को बसाजर में धापिया बसाजर में खाले में पड़े हाँ मुंगी वाला पत्र है टेम्पा वाले बिया वाले आता तो हाँ देखो बोली बातें जीएसटी नहीं हो हाँ 51,000 रुपए महाप्रसाद जी चढ़ावा पेंडिंग हाँ तब तक के लिए एक भजन 55 55,000 रुपए महाप्रसाद जी चढ़ावो महाप्रसाद जी चढ़ावो 55,000 55 55,000 रुपीज चढ़ावो हाँ वो दिन नहीं बोली जो पालना चढ़ावो चढ़ावा रो मतलब ही हुई से महाप्रसाद जी चढ़ावो 55,000 रुपए बोली को पेंडिंग रखते हैं दूसरा
पत्रिकारो चढ़ावो फूल हारो चढ़ावो तो वेगियो फूल हारो चढ़ावो ईश्वर जी नगर जी मॉल की तरफ से फाइनल हो गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बोले श्री शंकर भोलेनाथ की जय हो। और जो जो महानुभाव वीडियोग्राफी को चढ़ावो वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के लाभार्थी जो भी बनना चाहे महाप्रसाद लाभार्थी जो भी बनना चाहे 55,000 माता हले रही हो 55 2021 का कार्यक्रम ने वास्ते 55,000 माता बोली आई है 56 61 क्या बात है 61 हाँ हमें थोड़ा आवाज बोले हो 61 61 61,000 रुपए हाँ थोड़ा दूध को फाड़ लाओ हाँ दूध रो भी ध्यान रखो चाय भी बना जो हाँ सर 61,000 रुपए महाप्रसाद जी चढ़ा वो 61 बोलो तो बोलो कतरा करो 61 कतरा करो महाप्रसाद जी चढ़ा वो अन्नदान महादान सब फोटो चढ़ावो कार्यक्रम री मेन धूरी कार्यक्रम रो मेन चढ़ावो महाप्रसाद जी चढ़ावो बोलो तो बोलो 61,000 रुपए 61,000 रुपए महाप्रसाद जी चढ़ावो हाँ 61,000 रुपए 61,000 रुपीस बड़े सुख आवे अवसर बार बार नहीं आवे कार्यकर्ता पदाधिकारी थोड़ा ध्यान देना महाप्रसाद जी को पेंटिंग रख दू हाँ हलो दू दीपक जी ने पास लाओ यू बिल्कुल लीजिए आप सभी के समक्ष दीपक जी राठौर क्या बात है 81 अरे रेबन वाला चश्मा पहरा रेबन वाला चश्मा पहरा रेंदे रबर का अरे रेंदे रबर का तेरे रोड़ा नहीं पड़े तेरे 81 होल रो चढ़ा वो लगभग लगभग पूरा फाइनल में एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रीमान मुनाराम जी एवं सॉरी 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 नाम 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 अनाउंसिंग हो रहे हैं हॉल रो चढ़ा वो फाइनल वेगी लगभग नाम अनाउंसिंग हो रहे हैं तब तक महाप्रसाद जी रो चढ़ा वो 131,000 रुपए 131,000 रुपए हाँ सर हाँ थोड़ी चाय कॉफी की व्यवस्था कर जाओ भजन चालू किधर बाद में चाय कॉफी बनावनी पड़े हाँ सर एक बड़ा लाभ ही खोदो अले मोड़ दो भजने की आदत रहे रसगुल्ला नहीं खवाड़ो तो अले गुलाब जामुन नहीं खोदो अले बटसा जरूरी है क्या बात है सभी कार्यकर्ता खुश नजर आ रहे हैं एक बड़ी खुशखबरी के साथ भाई जयंती भाई हमारे पास आते हुए अगले साल 2021 के कार्यक्रम में मलार की सिरवी समाज वडेर में कार्यक्रम होगा एक बार जोरदार तालियों के साथ हॉल के लाभार्थी श्रीमान मुड़ाराम जी खेवाड़ पुत्र श्री मगाराम जी वाड़ा एवं अंबालाल जी लक्ष्मण जी परमार अबू रोड हाल वाड़ा एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों महानुभावों के लिए माँ लक्ष्मी आपका भंडार भरा रखे बिल्कुल आप दोनों महानुभावों से निवेदन स्टेज पे आए और अध्यक्ष महोदय एवं पूर्व अध्यक्ष महोदय से निवेदन है फटाफट आओ और फटाफट माला फेराओ आओ सर 2021 के कार्यक्रम में मैं वीडियोग्राफी के लाभार्थी कोई बनना चाहे तो बिल्कुल कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है कोई भी वहां सा जो इस पुण्यात का लाभ ले सके 12 महीने में ये एक दिन आता है जिस दिन हमें इस प्रकार के लाभ लेने के अवसर प्राप्त होते हैं इसके कार्यक्रम में जो भामाशाह ये थे वो के वो एक बार जोरदार ताली हो जाए बोले श्री कृष्ण भगवान की श्रीमान गणेश जी बड़ाला एवं श्रीमान प्रकाश जी घाटगोबर क्या बात है जोरदार ताली हो जाए दोनों महानुभाव आ जाए बिल्कुल माल्यार्पण एवं माला पहनकर का स्वागत करें अध्यक्ष महोदय जहाँ कहीं भी जल्द से जल्द आए समय को में 11,000 रुपए साउंडो चढ़ावो जो कोई भी समाज में लेना चाहे सरकारी बोली 11,000 रुपए कम थी कम साउंड रो चढ़ा वो क्योंकि सरवण जी साउंड लगे थोड़ा में तो थाले नहीं पड़े साउंड अतरो दमदार है कि बारे आई माता रे बारे रोड रे माते आवाज आवे अनवस्ते साउंड रो चढ़ा वो सरकारी बोली 11,000 रुपए कम थी कम
साउंड रो लाभार्थी कोई भी बन सके, बच्चों को बैग वितरण के लाभार्थी, छोटा छोटा बच्चों ने बैग वितरण करना ताकि बच्चों में शिक्षा की भावना जागे और बच्चा स्कूल जाने वास्ते हमेशा और कार्यक्रम जाने वास्ते हमेशा तैयार रहे ताकि मुझे भी बैग मिले। शापा के लाभार्थी पत्रिका हो गए फाइनल, प्रोत्साहन राशि के लाभार्थी फूल हार हो गया फाइनल। बैनर अगले साल 2020 में भी श्रीमान कानाराम जी स्वर्गीय मालाराम जी भाटी धौलपुरा अमरनाथ एवं श्रीमान बांकीलाल जी स्वर्गीय मालाराम जी भाटी धौलपुरा की तरफ एक बार जोरदार तालियां हो जाए, बोले श्री राजा बली की। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय एवं उनके ज्येष्ठ भ्राता, दोनों भाइयों ने मिलकर ये चढ़ावा लिया है। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को बैग वितरण करना ताकि उन बच्चों के अंदर शिक्षा की भावना जागे और समाज के अंदर शिक्षा की जागृति आए और आने वाले फ्यूचर में हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़े। एक और खुशखबर भी देना चाहूंगा कि हमारे समिति के जो अध्यक्ष महोदय बिल्कुल शिक्षा के लिए तो हमेशा ही न्योछावर है, क्योंकि उनके सुपुत्र, बधाई भी देना चाहूंगा उनके ही सुपुत्र ने उनका जोधपुर एम्स में सिलेक्शन हुआ, जोरदार तालियों के साथ बोले बोले राजा बली की। इसलिए उनको मालूम है कि शिक्षा समाज में कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आके उन्होंने कितनी तकलीफें झेली है, किरोना रो कौन करना हमें फैसिलिटी मिले, पहला कट गोजरा पड़िया था फोटो माते घूमना पड़ दो। इसलिए शिक्षा जरूरी है, बच्चे शिक्षित होंगे तो आने वाले समय में समाज का भविष्य बदली होगा, इसलिए शिक्षा के प्रति इस प्रकार के कार्यक्रम करवाए जाते हैं। सापा के लाभार्थी मारवाड़ी सापो हमें यात्रा जाना सड़ा बोले बड़ो सापो नहीं पहला तो ध्यान मन की सापो पहले तो जो सड़ा बोलो अनवासे सापो भी जरूरी है। देखो हैंग जाना कैसे सापा पहले भरे नहीं पहले ये मतलब मैं बोली ली थी मन तो सापो ही नहीं पहले हो अनवासे सापो भी जरूरी है। मारवाड़ी आन बानो शान राजस्थानी सापा पहनाकर स्वागत करने के लिए कोई भी लाभार्थी लेना चाहे तो बिल्कुल आपका कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। साथ ही साउंड के लाभार्थी साउंड रो चढ़ा वो कोई भी लेना चाहे तो बिल्कुल आपका कमेटी की ओर से हार्दिक स्वागत है। बाकी नकद राशि वगैरह तो वो जैसे ही कार्यक्रम आता है बिल्कुल आप सहयोग करते रहेंगे और इस प्रकार मालाड की से धन्य धरा पर मुंबई में आप सभी के सहयोग से कार्यक्रम होते रहेंगे। बिल्कुल महाप्रसाद जी का चढ़ावा 1,31,000 में पेंडिंग है, इसको यथावत रखते हैं और लीजिए आप सभी के समक्ष एक भजन दीपक जी राठौड़ का। उसके बाद में अतिथियों का नहीं भामाशाह का सम्मान करेंगे क्योंकि भामाशाह ही इस कार्यक्रम की धुरी होता है। पूनाराम जी मोहन चौहान माट परिवार मोकापुरा वालों के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कलाकार भी मनपसंद है उनका, वो बोल रहे सोनू सिसोदिया बोलेंगे एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बिल्कुल कलाकार भी फाइनल कर दिया उन्होंने कलाकार आने वाले 2021 के कार्यक्रम में सोनू जी सिसोदिया को बुलाएंगे, कलाकार भी फाइनल कर दिया उन्होंने एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और साथ में कन्नी चलती हाँ ईश्वर जी को नहीं कहता अर्जुन जी, अच्छा अर्जुन जी थिंगोरे की चॉइस है कि भाई जगिया पिंडिया को भी साथ में लाए तो एक बार बिल्कुल मुंगे जी की तरफ से जगिया पिंडिया भी आएंगे एक बार जोरदार ताली हो जाए। हाँ बिल्कुल तारीख भी वैसे देखनी पड़ेगी थोड़ा के बाद नहीं आवे और पानी के लाभार्थी 2021 कार्यक्रम में आए, पानी के लाभार्थी श्रीमान पकाराम जी स्वर्गीय नरसा जी चौहान बसंत हाल मलान के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये भी फाइनल हो गई लगभग, ये भी चढ़ा उन्होंने लड़ लिया। हाँ जो जो भी श्रीमान पकाराम जी नरसा जी चौहान आ जाए, श्रीमान कानाराम जी भाटी साहब, श्रीमान कानाराम जी भाटी साहब आप भी आ जाए, कानाराम जी बांगीलाल जी भाटी आपसे निवेदन जल्द से जल्द आए। क्या बात है, एक और खुशखबर अगले साल के कार्यक्रम में राजाबली स्मृति चिन्ह के लाभार्थी श्रीमान महेंद्र भाई उर्फ धोनी धवल के एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात है, राजाबली स्मृति चिन्ह के लाभार्थी महेंद्र भाई उर्फ धोनी धवल कोई सस्तु नहीं पड़े होलसेल वाला है। हाँ तो ठीक है थोड़ा नाम की बिल बना 50,000 बना दिए। 10वीं और 12वीं क्लास में जो फर्स्ट डिवीजन से बच्चे आएंगे उनके लिए सिल्वर मेडल की व्यवस्था चौंदीरो चिंको, सिल्वर मेडल की व्यवस्था बाबूलाल जी सनोप
सुनीला जी भुरावत चामुंडेरी उनकी तरफ से, मैं जो नाम बोल रहा हूँ उधर लिख रहे हो कि साइरस मजर हो रहा है? हाँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ आप लिस्ट बोलते रहे। 2021 में 10वीं ने 12वीं में जो को फर्स्ट आमिला बच्चा फर्स्ट डिवीजन रही ला बड़े सिल्वर मेडल की व्यवस्था बाबूलाल जी शनोप चुनीलाल जी चामुंडेरी वालों की ओर से, ठीक है। हाँ हाँ, सही है। फोटोग्राफी वगैरह भी ले लेंगे। बाहर जितने भी मानुको खड़े माता बहने जितनी भी बैठी है, भजन संध्या रात भर आली। हाँ हाँ, भजन संध्या रात तक चलेगी। तो दवादी को जो मत के घर जिन बाटी बनावनी पड़ी बाटी वाटे वणी ओड़ी है। हाँ, रात्रे बनावर कौन कोनी घर जिन हुआ उस कौन रही रात्रे अनुवास्ते थे गाई करता नहीं के झड़ते पड़े आलो वे सके बड़े घर जिन पाव भाजी खाने पड़े बड़े नौबत नहीं आवे वापस से दो दो टाइम रो खानो बनाई ओड़ अनुवास्ते खूब जम के नाचो उसके बाद में वापस भोजन दे पहला भजन ने बने बाद में भोजन। हाँ, हमें भागना आलो दे बिल्कुल। आप सभी के बीच दीपक जी राठौड़ आने जब तक काम निपटा लेते एक बार सब से अंदर बदले। बाहर जितने भी खड़े हैं महानुभाव आप सभी से मेरा निवेदन है सभी के सभी अंदर आ जाएं। बहुत ही जल्द भाई दीपक जी राठौड़ एक ले लो भागन ले लो ताकि एक सब बैठ जाए और डांस डांस के लिए तो निवेदन है जल्द से जल्द यहाँ पर आए स्वागत सामग्री तैयार रखे सबों ने माला फटाफट तैयार रख दो कार्यकर्ता फटाफट माया हो अमृत जी जयंती भाई आप सभी से निवेदन फटाफट माया बढ़ाओ। बाहर जितना भी समाज बिंदु खड़ा है आप सभी फटाफट माया हो ताकि स्वागत भामाशाह के स्वागत करने हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में महाप्रसादी के लाभार्थी स्वर्ग श्री सहसाराम जी सुरेश जी मुकेश जी सनप पूनाराम जी माठ चौहान परिवार की ओर से की गई जोरदार तालियों से अभिवादन करें। श्रीमान पूनाराम जी से निवेदन आप स्टेज में बता रहे पूनाराम जी आपसे निवेदन स्टेज में बता रहे साथ ही आपके साथ में कौन मुकेश जी से निवेदन आप स्टेज में बता रहे। कार्यकर्ता सभी आ जाए अंदर स्वागत हो रहे हैं तब तक भाई साहब बाहर गेट मत क्यों उभो अरे भगवान है दौरा क्यों हो रही है आरंभ है बेवारी कुर्सी और व्यवस्था की दिखता ही भगवान से भरो हाँ से बट भाड़ू लेन जाइए तो खाली पड़ी रही तो भाड़ू लागी तो कुर्सी माते जी बोल सभी अंदर आ जाए एक बार ताकि स्वागत की रस्म को हम जल्द से जल्द पूरा कर सके और दीपक जी के भजनों को आनंद ले सके। हाँ क्या था माता जी ने पूजा हो रही है बिल्कुल माता जी की पूजा हो रही है। हाँ भले आरती अगर बोलना चाहे तो माता जी की पूजा हो रही है नहीं बोलिए नहीं मतलब वैसे भी आरती तो नहीं भजन बोलो भजन बोला सभी से निवेदन जल्द से जल्द आए ताकि स्वागत की रस्म को हम सही तरीके से एवं जल्द से जल्द पूरा कर सके। माता जी की आरती चालू है एक छोटा सा भजन माता जी रो मुकेश जी के परिवार आ गए। हाँ
जोरदार ताली हो जाए। हेलो, बहुत ही बढ़िया ऐतिहासिक पल। इसके बाद नेक्स्ट पत्रिका के लाभार्थी श्रीमान मोलाराम जी पुत्र श्री श्रीमान मनसाराम जी खेवाड़ परिवार कोठार। हाँ सर, माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए, श्रीमान मोलाराम जी का स्वागत करने जा रहे हैं। सचिन जी बासा, हाँ तालियां हो जाए। हाँ अपना वणम करो, रघुवर बने जिन जिन का नाम लिया है जल्द से जल्द आए, फटाफट आपको करो, टाइम कम है, अनवास्ते आपको करो फटाफट। मिकाराम जी की धर्मपत्नी तैयार है, जिन जिन का नाम ले रहे हैं फटाफट आते रहे और माल्यार्पण करके स्वागत करते रहे। फटाफट आओ, टाइम कम है। हाँ, अपनी वजह से कार्यक्रम में कोई रुकावट ना हो। हाँ, हमें कहा हम अभी सेटा बंदी बोलते जुड़े हम तो बड़े के जो गए। हाँ एक दो मिनट, हाँ एक मिनट फटाफट आपको करो, फटाफट आपको करो, मैं जी जी बहुत जी आपको करो फटाफट। जोरदार ताली हो जाए। हाँ सबको लेना, आपको करो मनोज जी, आपको करो मनोज जी, कट गया मनोज जी, मांगीलाल जी, भाटी साहब, चंदन जी, जाना साहब, कानाराम जी, भाटी साहब, सीनियर सिटीजन जो भी है सब आ जाए, बिल्कुल आओ करो। हाँ एक ही जना फटाफट सबको और माला पहना बदलो। इसके बाद मोमेंटो वाली लिस्ट तैयार रखें, ये अंदर बढ़ाओ भाई, जिसे हो बिन चक्कर दोगे थे। मनोजी भाई साहब मोमेंटो के लिए जो भी लिस्ट है वो तैयार रखे, आ जाइए और छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको मोमेंटो की लिस्ट। मनोज जी थे मार दे, मारा मार जाओ, एक मिनट आओ, माइक की खींच पकड़ो, अनुवा लिस्ट खींच पास हो, मोमेंटो बाहर निकल के रखे एवं बैग भी बाहर निकल के रखे, बैग वायर बाहर निकल के रखे। महेंद्र जी थाना गांधी भाई थोड़ा सहयोग करना पीछे, मोमेंटो और बैग बाहर निकल के रखे, जैसे जैसे नाम दे रहे फटाफट देखो बोलो, अनमे कोई अनमे कोई अनमे कोई बोलो, स्टेज पे चाय की व्यवस्था करें, थोड़ा कार्यकर्ता ध्यान दे। अनिल भाई गुजरात अपना अहमदाबाद से अनिल भाई आए, आपका भी बहुमान करने जा रहे हैं, बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए। कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद। हो गया स्वागत, हो गए किसका करने अतिथि। हेलो हेलो, विद्यार्थियों के नाम लिए जा रहे हैं वो तैयार रहे या नीचे आके खड़े रहे साइड में। विशाल अमृत जी चौहान, राहुल अमृत जी चौहान, दक्ष मनोज परमार, डिंपल अशोक जी चौहान, मन का 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 मन का
सतरंगी ले रही हूँ, सतरंगी बोली राजा बोली।